नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरपालिका परिषद जामुल की बैठक शुक्रवार को ही संपन्न। बैठक में जामुल को नए रूप में प्रदर्शित करने किया गया विचार विमर्श। सुपेला पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामनगर सुपेला निवासी प्रार्थी को डरा धमका कर लूटा था सोने की चैन। और मलेशियन करेंसी बदलने के नाम पर भिलाई में हुई ठगी की वारदात। ठगों ने भिलाई 3 के कपड़ा व्यापारी को 3.5 लाख का लगाया चूना। अब खबरें विस्तार से। वैसे तो ठगी के कई किस्से आपने अब तक सुने और देखे होंगे, लेकिन विदेशी नोटों को बदलने के मामले में ठगी का किस्सा आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ठगों ने मलेशिया के नोटों को बदलने का हवाला देकर बदले में कागजों की गड्डियां ही थमा डाली, जिसके बाद पीड़ित ने सुपेला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां भिलाई 3 के रहने वाले एक शख्स ने मलेशिया की करेंसी बदलने के नाम पर 3,50,000 की ठगी कर ली। ठग राजू जैन की दुकान पर सामान लेने पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार राजू जैन को ठगों ने 50,000 का मलेशियाई नोट दिया। फिर साथ ही ठगों ने पीड़ित राजू जैन को बताया कि उनके पास 3,50,000 के मलेशियाई नोट हैं, जिसे हिंदुस्तानी नोटों में तब्दील करना है। यदि नोट बदला कर दिए जाएंगे तो इसके बदले राजू जैन को कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन के लालच में आकर प्रार्थी राजू जैन ने 3,50,000 रुपए नगद दे दिए और मलेशियाई नोटों से भरा हुआ बैग ले लिया। जब वह घर पहुंचा तो राजू जैन ने बैग खोला तो हैरान रह गया। बैग में नोट की जगह कागज की गड्डियां भरी हुई थी, जिसके बाद लोगों से संपर्क करने पर उनका मोबाइल बंद बताया गया। राजू जैन ने तत्काल सुपेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सुपेला पुलिस ने अब्दुल रऊफ खान सैफुल व आकाश मलिक के खिलाफ धारा 420-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। तो वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बचे हुए बाकी 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति के पास मलेशियाई के इतने नोट कैसे आए, ये भी सवालिया निशान लगा हुआ है। और आरोपी विदेश करेंसी लेकर कहां घूम रहा था, इस पर भी सघन पूछताछ जारी है। सुपेला थाना का मामला है, जहाँ पर बीते दिनों 3 व्यक्ति जो कि अपने आप को नोट एक्सचेंज करने को लेकर प्रार्थी विजय जैन के पास आए थे। विजय जैन की एक कपड़े की शॉप है, इन्होंने 3.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी लेकर मलेशियन करेंसी देने की बात कही। जब विजय जैन ने उन करेंसी को देखा तो कुछ करेंसी सही निकले, कुछ मलेशियन करेंसी पूरी तरह फेक निकले। जब उनको लगा कि उनके साथ 3.5 लाख रुपए की मनी एक्सचेंज करने के दौरान ठगी हो चुकी है, उस पर से वो सुपेला थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। सुपेला थाना ने भी तत्काल इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका काम इसी प्रकार का मनी एक्सचेंज में ठगी करना है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं संबंधित जगह से जहाँ के रहने वाले हैं, और आगे कार्रवाई भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, अभी जो प्रार्थी है, प्रार्थी के कथानुसार जो चीज़ें सामने आई हैं फुटेज वगैरह देखने पर, अभी 3 ही लोग मिले हैं। ये पता इनके द्वारा 4था व्यक्ति की बात कही जा रही है, वो भी तस्दीक के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नगरपालिका परिषद जामुल की आम बैठक शुक्रवार को परिषद के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें पूरे जामुल परिषद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही नए और रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पुनः शुरू किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में जितने भी प्रस्ताव सम्मिलित किए गए उन सभी पर पूरे सदन की सहमति बनी और सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पारित भी कर दिए गए। आने वाले समय में नगरपालिका परिषद जामुल को एक नए स्वरूप में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही है और जामुल परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा भी बह रही है। नगरपालिका परिषद की आज बैठक रखी गई थी 10 बजे सुबह से, और जो विकास कार्य है हमारे जामुल नगर पालिका के, उसके लिए आज परिषद की बैठक रखी गई थी, जिसमें कुछ मुद्दे अन्य थे। सारे मुद्दों में बहस हुआ, चर्चा हुआ और सभी जनप्रतिनिधियों ने एक लय में मिलकर पूरे कामों का स्वीकृति दिया। वार्ड 29 वृंदा नगर कैंप 1 के रहवासी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां नाली, सड़क, पुलिया आदि की मांग लंबे वक्त से की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। वार्ड 29 वृंदा नगर कैंप 1 के अंदरूनी क्षेत्रों में निवासरत रहवासियों को
मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है। यहाँ सड़क नाली पुलिया जैसी सुविधाओं का अभाव वर्षों से बना हुआ है। कुछ वर्षों पूर्व बनाई गई नालियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से नालियों का पानी नालियों से बाहर बहता रहता है। एक ओर से दूसरी ओर आने जाने पूर्व में नालियों के बीच पुलिया भी बनाई गई थी, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को दूरी का सामना कर अपने गंतव्य की ओर जाने मजबूर होना पड़ता है। इससे महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। पूर्व में अंदरूनी क्षेत्रों में बनाई गई सड़कों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। वहीं कुछ स्थानों में पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन नालियों के बीच से होकर गुजरी है। समस्याओं के निराकरण के नाम पर इन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है, जिससे वार्ड के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय रहवासियों ने समस्याओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वही रोड फसक की है बाबू, उस तरफ पूरा हम लोग नाली चारों तरफ का कचरा आके नाली में इधर भर जाता, जाम हो जाता। फिर तो हम लोग को नहीं करके 6 महीना कोई भी खाली करके चला जाता। हम लोग को सब साफ सफाई करके ऐसी रुक गया है, क्या करेंगे किराए ज़्यादा होने से। जी मेरा नाम योगेश राव है, मैं वार्ड 29 से बोल रहा हूँ। ये बिंदा नगर का एरिया है सर। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कई 15 साल पुराना जो बना था पुलिया, वो पुलिया टूट चुका है। नाली का कोई निर्माण नहीं हुआ है और यहाँ की जनता काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब बरसात आता है तो पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, और जैसे यहाँ की नालियाँ नहीं है, पानी जमा हो रही है, तो बीमारी का भी काफ़ी चांस बढ़ा हुआ है। तो मैं निगम प्रशासन से विनती करूँगा कि इसको ध्यान दिया जाए और जनता की परेशानी में काम किया जाए। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद को इसकी जानकारी दिए थे? हाँ, संजय सिंह को हम लोग जानकारी दे चुके हैं। कल संजय सिंह आए भी थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 महीने के अंदर में काम हो जाएगा। और यहाँ 20 साल हो गया, 20 साल से ना रोड बना है, ना पुलिया बना है, ना नाली बना है। ये वार्ड 20 साल पे तक पुराना पीछे हो चुका है। बाकी वार्डों में आप जाओगे तो कई आगे मतलब वार्ड आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ 20 साल से विकास नहीं हो रहा सर। वहीं वार्ड 29 वृंदा नगर के पार्षद संजय सिंह का कहना है कि जब से वह चुनकर आए हैं, समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं। वार्ड में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी चुने हुए हमको 1.5 साल हुआ है, और वार्ड में जो स्थिति बनी है वो लगभग 15 सालों से यही स्थिति है, और इसके लिए हम लोग निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ। रोड और नाली और पुलिया को लेके जोन कमिश्नर और कमिश्नर से मेरी चर्चा होती रहती है। अभी भी वार्ड में काफ़ी जगह पुलिया बन रहे हैं, भवन भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बने हैं, तो ऐसे काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके इन जगहों पे जहाँ जहाँ रोड और नालियाँ टूटी हुई है उस जगह पर हम लोग बनाएंगे। अभी कई ऐसे जगह हैं जैसे कि 4 से 5 जगहों पर 5-5 लाख, 4 लाख, 5 लाख के भवन भी बने हैं, पुलियों पे भी काम हुआ है, और अपना 30 लाख रुपए से हमारे अस्पताल का भी निर्माण हुआ है, जो काफ़ी समय से यहाँ के लोग दूर दूर जाके हॉस्पिटल जाते थे, जो अभी इनको यहीं पर सुविधा मिल रही है। निरंतर मैं जोन कमिश्नर से चर्चा हो रही है कि जो भी नालियाँ और रोड टूटी हुई है उसके लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है। आप जहाँ पर गए थे वहाँ मैं उसी दिन गया था और सभी लोगों से बात किया, उनको मैं बताया हूँ कि इसके लिए मैंने प्रपोजल बना के दिया भी गया, जल्द से जल्द वो चीज़ पूरी की जाएगी। वार्ड में मौजूद समस्याओं से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। वहीं पार्षद का कहना है कि वह समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीर हैं, साथ ही नगर निगम जोन 2 के अधिकारियों से वे निरंतर संपर्क में भी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार, अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स,
साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी। 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम,
सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएमशाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंज पारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक शरद कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ICW मीता पवार के मार्गदर्शन पर उप पुलिस अधीक्षक ICW शिल्पा साहू एवं रक्षा टीम के द्वारा देर रात को जयंती स्टेडियम, तालाब के किनारे, बैंक परिसर, मोनोमेंट पार्क में पेट्रोलिंग की गई, जहां अनावश्यक व बिना किसी कारण के पाए गए लोगों को समझाइश देकर छोड़ा गया। स्वच्छता, यह शब्द सुनकर हमारे जहन में, हमारे आसपास और शहर भर में फैली हुई गंदगी जो हमें दिखाई देती है, उसकी सफाई को लेकर बात उठती है। परंतु दुर्ग पुलिस द्वारा स्वच्छता नाम से एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ना दिखाई देने वाली गंदगी को साफ करने का प्रयास रक्षा टीम प्रभारी एवं उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी के तहत बीती रात सिविक सेंटर इलाके में जयंती स्टेडियम के पास अभियान चलाया गया, जिसमें कई ऐसे शरारती और असामाजिक तत्व रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाए गए। कुछ तो खाकी वर्दी देखकर भाग खड़े हुए और कुछ को मौके पर पकड़कर समझाइश दी गई। वहीं साथ में महिलाओं को महत्वपूर्ण नंबर की जानकारी दी गई एवं अकेले व सुनसान किसी जगह में नहीं बैठने को कहा गया। कुछ लोगों को नशे के सेवन के साथ पाया गया, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु भिलाई नगर थाना भेजा गया। इस कार्रवाई के दौरान कई युवतियां भी ऐसी जगह पर नशे की हालत में और अनजान लड़कों के साथ भी पाई गईं। उन्हें भी रक्षा टीम द्वारा समझाइश दी गई। रक्षा टीम के प्रभारी एवं उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू ने इस अभियान को लेकर न्यूज टीम को जानकारी दी है। जी, अभी जो हम अभियान चला रहे हैं उसका नाम स्वच्छता अभियान है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वच्छ एक ऐसी अनुभूति होती है जहां आदमी अपने आप को सेफ महसूस करे, तो उसी चीज़ की तर्ज पर हम ये महिलाओं के लिए ही बोला जाए कि महिलाओं को ही ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण जो है उनको देना चाह रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम उन सभी महिलाओं को जो वैसे एरिया से गुजरती है जहाँ पे उनको अनकंफर्टेबल लगता है, उनको लगता है कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उपस्थिति सही नहीं है, तो उन असामाजिक तत्वों से उनको जो है दूर रखना, नशे से दूर रखना, नशे से भी छुटकारा प्लान उनको जो है मिलना चाहिए, उसके लिए एक स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। तो इसी की तर्ज पर जो है हमारी जो टीम है, रक्षा टीम, वो पेट्रोलिंग कर रही है ऐसे सुनसान रास्ते पर या ऐसे कोई रास्ता या ऐसा जगह जो हमको पता चलता है जहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व बैठते हैं, बिना किसी कारण बैठ रहे हैं। कई बार ऐसा रहता है कि कपल्स भी बैठ रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं तो उजाले में बैठ सकते हैं लेकिन वो अंधेरे में बैठते हैं, तो उनका बैठना कहीं ना कहीं सही नहीं लगता, तो उनको समझाइश दी जा रही है। कोई नशे का सेवन करते पाया जा रहा है तो उनको समझाइश दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से जो है काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये अभियान चल रहा है और हमेशा चलते रहेगा आगे भी। कल जो है अभियान जो है जयंती स्टेडियम में चला है, उसके आसपास के एरिया में चला है, और जो उस रास्ते पे सुनसान रहते हैं जहाँ पे लाइट कहीं ना कहीं कम रहता है या वो लोग उस अंधेरे का फायदा उठा के बैठे रहते हैं बिना किसी काम के, तो वहाँ पे ये चला। लगभग ऐसा रहता है कि कई बार वो यूनिफॉर्म देख के भागने का प्रयास करते हैं। जो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं उनको समझाया जाता है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही
ही जो है हम वहाँ आए हैं इस चीज़ को समझे और एक अच्छा माहौल हमारे भिलाई वालों को, दुर्ग वालों को मिले और कृपया करके इस तरीके से ना बैठे। अगर उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहे तो फिर कार्रवाई हो। बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कई बार वहाँ पे महिलाएं भी रहती हैं, लड़कियाँ भी रहती हैं, उनको भी हम समझाते हैं कि इस तरीके से बैठना सही नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए ही हम कह रहे हैं आप उजाले में बैठिए। आपको कुछ बात करना है तो आप कैफ़े रेस्टोरेंट में भी बात कर सकते हैं, घर में बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सुनसान अकेले बैठना, वॉक करना उस तरीके से वो सही नहीं है। आप लाइटिंग एरिया में वॉक करें, चहल पहल है जहाँ वॉक करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। फिलहाल उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू, जो कि रक्षा टीम की प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों का सफल नतीजा भी सामने दिखाई दे रहा है। इनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ यदि आम जनता का सहयोग भी प्राप्त हो जाए तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में बेशक कमी आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला थाना पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के कब्जों से लूटी गई सोने की चैन को बरामद भी कर लिया गया है। रामनगर सुपेला निवासी प्रार्थी इंद्रपाल सिंह देर रात अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान स्पर्श हॉस्पिटल के समीप आरोपी पृथ्वी, दयाल और शुभम ने प्रार्थी को रोक कर डरा धमकाकर चाकू की नोक पर उसके द्वारा पहनी गई सोने की चेन को लूट लिया गया। घटना के बाद घबराए प्रार्थी इंद्रपाल सिंह ने इसकी सूचना सुपेला थाना पुलिस को दी, जिसके बाद सुपेला पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को रामनगर मुक्तिधाम तालाब के पास से घेरा बंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन को भी सुपेला पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनमें से एक आरोपी दयाल प्रकाश यादव हत्या के एक मामले में सजा काट रहा है, जो कि पेरोल में छूटकर बाहर आया हुआ है। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। 4/10/2023 की रात्रि में, देर रात में, एक प्रार्थी इंद्रपाल सिंह उपस्थित आकर बताया कि स्पर्श हॉस्पिटल के पास में से 4 लड़के, दयाल, रोहित, शुभम और पृथ्वी करके 4 लड़के हैं, इन्होंने मारपीट की, पैसा मांगे, पहले नहीं देने पर मारपीट की और उसका सोने का जो चैन था उसको खींच लिया था। की रिपोर्ट पर धारा 394 और अन्य धाराओं में, आईपीसी की अन्य धाराओं में पुलिस ने एफआईआर किया था। एफआईआर के बाद से आरोपी फरार थे, उनकी पता तलाश की जा रही थी। पुलिस ने तत्परता से इसमें 3 आरोपी, दयाल यादव, पृथ्वी और शुभम गुप्ता को पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जो लूट की जो मसरूका थी, सोने की चैन थी कीमती करीब 60,000 की, उसको भी बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों को मानने वाला प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें जो दयाल जो आरोपी है, ये पेरोल पर था, 302 में सजायाब है, पेरोल पर छूटा हुआ था और छूटने के बाद भी यहाँ पर ये क्राइम किया इसने। इसके अलावा जो शुभम जो है, ये भी कई मामलों में संलिप्त रहा है अपराध में, इसके पूर्व में भी कई अपराध हैं, दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी में इस पूरी कार्रवाई में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक श्यामजी मिश्रा, रवि साव, सुरेंद्र पटेल, सूर्य प्रताप सिंह का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। Thank you.
टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी के 97वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा मानवता की मिसाल पेश करते हुए गरीब असहाय जनों को भोजन वितरित किया गया। समाजवादी विचारधारा का जन्म ही समाज के निराश्रित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी वह सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए हुआ है, जिनसे अभी तक वह छूता रहा है। एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का एकमात्र धर्म मानवता व सेवा ही होता है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए बीते 6 साल से जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा दुर्ग के रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों में अस्थायी रूप से निवासरत मजदूर, असहाय महिलाएं, बच्चों, विकलांग जनों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि संस्था के सम्मानित विशेष सहयोगी एवं मार्गदर्शक श्री उत्तम चंद जी सार्थक भंडारी आपापुरा दुर्ग द्वारा परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी के 97वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर संस्था द्वारा गरीब असहाय जनों को भोजन वितरित किया गया। भोजन सेवा में सहयोग के लिए उत्तम चंद जी सार्थक भंडारी आपापुरा दुर्ग का हृदय से आभार जताया गया, जिनके सहयोग से गरीब असहाय जरूरतमंदों को भोजन के साथ मिष्ठान एवं नमकीन वितरित किए गए। संस्था द्वारा किया जा रहा प्रयास बेहद सराहनीय कदम है। ग्रैंडी सीन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। निगम क्षेत्र के 1 लाख करदाता भवनों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के लिए डिजिटल डोर नंबर लगाए जाने महापौर की मौजूदगी में निगम आयुक्त ने कंपनी के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में आयुक्त रोहित व्यास ने HDFC बैंक के साथ करार किया है। भिलाई निगम क्षेत्र के 1 लाख करदाता मकानों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने मकान में डिजिटल डोर नंबर पट्टिका लगाई जाएगी। किए गए अनुबंध के संबंध में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने बताया कि निगम भिलाई क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में डिजिटल नंबर प्लेट लगाए जाएंगे, जिसके QR कोड में भवन के मालिक का संक्षिप्त विवरण के साथ निगम के देय करों की जानकारी तथा भुगतान की सुविधा होगी। नंबर प्लेट के QR कोड को स्कैन करके भवन के मालिक निगम में देय संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज का भुगतान कर सकेंगे। डिजिटल प्रणाली के करार में निगम क्षेत्र के 1 लाख संपत्ति कर वाले मकानों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके प्रथम चरण में 10,000 मकानों में नंबर प्लेट लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत निगम के वार्ड क्रमांक 1 से होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बीते दिनों दुर्ग के ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण के बाद दुर्ग विधायक अरुण वोरा द्वारा गुपचुप तरीके के साथ सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन कर दिया गया और उस जनता को भी इस उद्घाटन समारोह से दूर रखा गया जिनके लिए ये बनाया गया है। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने आरोप लगाया है कि विधायक महोदय सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये काम किया है और आम जनता से छल किया है। ठगड़ा बांध का उद्घाटन कल किया गया, लेकिन इसमें विधायक जी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए न तो आम जनता को उसमें सूचना दी और न ही विपक्ष को सूचना दी। इसका श्रेय खुद को मिले, उनकी पार्टी को मिले, इस वजह से ऐसी हरकत की गई। ये आपका सिर्फ आपका प्रोजेक्ट नहीं था, ये पूरे दुर्ग शहर का प्रोजेक्ट था, जिसके मालिक सिर्फ कोई दल नहीं और कोई जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आम जनता है। आम जनता को इससे वंचित रखा गया और आनंद फानंद में आपने ये सभी चीजें की ताकि आप जो आचार संहिता है उसके पहले ये इसकी राजनीतिक रोटियां सेक सके, आचार संहिता के पहले आप इस चीज को बना सके। आनंद फानंद में इसलिए भी किया गया और आम जनता को इसलिए भी सूचित नहीं किया गया कि वहां पर जनता आती और वो देखती कि ये तो अभी निर्माण है, अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन अपनी श्रेय की राजनीति के लिए आपने ये ऐसा किया जिसमें कुछ MIC मेंबर, कुछ पार्षद थे और कुछ कर्मचारी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।